पहले पेज के मध्यान की बात कर रही थी। विकर्म विनाश करने का कोई उपाय नहीं है सिवाय बात किया। और गीता में भी मन मना भाव अक्षर है, परंतु उस मन मना भाव अक्षर को कोई समझ नहीं सकता। मन मना भव अर्थात मेरे में मन लगा, क्योंकि गीता में कृष्ण का नाम डाल दिया है तो समझते हैं कृष्ण भगवान है। कृष्ण को याद करने से पाप भस्म होंगे, बजाय दुनिया में पाप भस्म होने के और ही पाप की दुनिया बनती जा रही है। पाप भस्म तो होते ही नहीं और ही पाप आत्माओं की दुनिया बनती जा रही है। क्यों बनती जा रही है? क्योंकि गीता में कृष्ण साकार का नाम डाल दिया है, तो साकार को याद करने से साकारी देह ही याद आवेगी। देह तो विनाशी है, विनाशी चीज को याद करेंगे तो बिना तो कोई साधन तो दुनिया नीचे गिरती जा रही है। कोई समझ नहीं सकता कि मन मना भव का अर्थ क्या है। अभी बाप आकर के बतलाते हैं, मन मना भव अर्थात मेरे मन में समाजा, मत मन मेरे, मना मना मन में, भव मना समाजा। कि मन में समाजा जो बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप है, जिसे शिव कहा जाता है, वो शिव त्रिमूर्ति शिव कहा जाता है। अर्थात उसकी तीन मूर्तियां हैं, ब्रह्मा विष्णु और शंकर। पहली मूर्ति मन, ब्रह्मा को ही मन कहा जाता है, मनुआ मनु, मनु की औलाद है सारी मनुष्य सृष्टि। इसीलिए मनुष्यों की जो जाति बनी है वो मनु से बनी है। अब ब्रह्मा पहले पहले ब्रह्मा कब बना? जब सुप्रीम सोल बाप ने प्रवेश किया, उनका नाम रखा ब्रह्मा। ब्रह्मा के मन में क्या है? ब्रह्मा का काम क्या है? ब्रह्मा का काम है नई सृष्टि की रचना करना। तो पहले पहले ब्रह्मा के द्वारा ब्राह्मणों की नई सृष्टि रची जाती है। और दुनिया में जो ब्राह्मण है वो तो सब पुराने ब्राह्मण है। मुखवंशावली तो अपन को कहते हैं, लेकिन अवली है, अवली माने कतार एक के बाद एक। असल ब्रह्मा की औलाद नहीं है। अभी बाप आए हैं, असली ब्राह्मण तो असली देवता बन गए। वो बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप ज्योति बिंदु शिव है। वो शिव जब साकार में प्रवेश करता है तो नामकरण करता है। ऐसे तो उसका नाम है ज्योति बिंदु शिव, मेरी बिंदी का ही नाम शिव है। वो बदलता नहीं है, लेकिन जैसे जैसे शरीर बदलते जाते हैं तो नाम भी बदलता जाता है। तो पहले पहले जिस व्यक्ति के द्वारा संसार में प्रत्यक्ष होते हैं, जैसे बच्चे के सामने माँ पहले प्रत्यक्ष होती है, ऐसे ही इस शक्ति में माँ के रूप में
सुप्रीम सोल बाप पहले पहले प्रत्यक्ष होते हैं, जिसका नाम रखते हैं ब्रह्मा। ब्रह्मा का पहला पहला संकल्प ही है नई शक्ति की रचना करना, स्थापना करना। तो कहते हैं मन मना भव, मेरे मन में समा जा। मना मेरे मन में क्या है, नई शक्ति तैयार हो जाए। जब नई शक्ति तैयार होगी तो लाजमी है पुरानी शक्ति का विनाश भी होगा। पुरानी शक्ति का विनाश होगा, नई शक्ति तैयार हो जाएगी तो उसकी पालना करने वाला भी चाहिए। तो तीन कार्य है सुप्रीम सोल शिव के। ब्रह्मा के द्वारा नई शक्ति रचता है, शंकर के द्वारा पुरानी शक्ति का विनाश, और विष्णु के द्वारा नई शक्ति की पालना। तो जो गीता में मनमना भाव अक्षर आया है, कोई समझ नहीं सकता किसके कृष्ण का नाम डाल दिया। तो साकारी का नाम है, साकार को याद करने से तो सदगति नहीं हो सकती। वो निराकार बाप ब्रह्मा के तन में आकर के बाप का परिचय देते हैं कि मुझे याद करो। बताया बाप कहते हैं मुझे और बच्चे को याद करो, मैं त्रिमूर्ति से हूँ। तीन मूर्तियों वाले बाप को याद करो, और उन तीन मूर्तियों से जो नई शक्ति तैयार होती है, परिष्कृत शक्ति तैयार होती है, उसमें अपने ऊंचे के ऊंचे स्वरूप को याद करो कि मैं कैसे नर से नारायण नारी से लक्ष्मी बनने वाला। तुम विश्व के वारिस अर्थात मालिक थे, अभी नहीं हो, पहले तत्व प्रधान थे, अभी तमो प्रधान बन गए। अभी फिर से तुम बाप के द्वारा विश्व के मालिक बन रहे हो, तो तुमको तो कितनी खुशी होनी चाहिए। किनको? जो नंबर वार विश्व के मालिक बनने वाले हैं, उनको तो बहुत खुशी होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अभी तुम कौड़ी से हीरे मिसल बन रहे, तुम्हारी बुद्धि में कौड़ी ही कौड़ी की याद रह गई, कौड़ी की कोई कीमत नहीं होती है। अब तो तुम हीरे की कीमत वाले बन रहे हो, हीरे की कीमत तो सबसे जास्ती होती है। हीरे अर्थात हीरो पाठधारी, हीरो वो तो सबसे ऊंचा पार्ट होता है, हीरो के बाद दूसरे नंबर का पार्ट होता है हीरोइन। तो बाप ऊंच से ऊंचा करके बनाते, यहाँ पर तुम आए हो बाप का, बाप से वर्षा लेने के लिए। बाप का वर्षा है विश्व की वर्षा ही, जो विश्व का वर्षा बनता है वही हीरो पार्ट है। दुनिया में और कोई भी धर्म पिताएं, चाहे वे कोई बड़े से बड़े धर्म की स्थापना करने वाले आए हो, उन्होंने अपने फादर्स को विश्व की बादशाही नहीं दे पाई। सब बड़ी बड़ी लड़ाइयां करते करते, आकांक्षाएं करते करते शक्ति में खलास हो गए, लेकिन मैं आकर के तुम बच्चों को विश्व की वर्षा ही देता हूँ। इतना ऊंचा वर्षा देता हूँ, इतनी ऊंची पढ़ाई पढ़ाता हूँ, फिर तुम मुझे भूल क्यों जाते हो? तुम्हारा तो लक्ष्य ही है कि हम बाप से विश्व की बादशाही का वर्षा ले लेंगे। अभी तुम बनते हो गार्डन ऑफ फ्लावर्स,
सचिव गार्डन है तो देखो कितना सुंदर होता है। धीरे धीरे कलाएं कम होती जाती है, सचिव में 16 कला संपूर्ण से पेटा में 14 कलाएं बन जाती है तो गार्डन थोड़ा मुरझा जाता है, दो कला मुरझा जाता है। और अभी तो पूरा कांटों का जंगल हो गया, सारी कला काया कच्चा कर दी गई, निरुआ और मनुष्य में कोई फर्क नहीं है। निरुआ अर्थात जानवर, मनुष्य जानवरों में सल हो गए। अभी तो मनुष्य निरुआ से भी बदतर, जानवर से भी बदतर हो गया है। जानवरों का स्वभाव फिर भी अच्छा होगा, जानवर अपनी जाति के लिए तो रक्षा करते हैं, मनुष्य तो अपनी जाति का भी दुश्मन पर। तो ये पूरा कांटों का जंगल हो गया है। अभी तुम ये जानते हो, दुनिया को तो इन बातों का कुछ भी पता नहीं है। अभी ये नारी तुमको मिल रही है, ये नई दुनिया के लिए नई नॉलेज है। 19,000 वर्ष से जो शास्त्रों की नॉलेज सुनाते चले आए हैं वो नई है या पुरानी है? वो तो पुरानी बातें सुनाते चले आते, पुरानी बातें सुनाने से पुरानी दुनिया बनती जाती है। और बाप आकर के नई बातें सुनाते हैं, नया ज्ञान सुनाते हैं, तो नई बातों से, नए ज्ञान से नई दुनिया की स्थापना हो जाती है। करने वाला तो बाप ही है, वो शक्ति का रचयिता बाप है। और याद भी उस बाप को याद करते हैं कि आदर के है वे ना क्यों, तो जरूर है भी नहीं रचेंगे ना। हैवेनली गॉड फादर कहा जाता है। अच्छा कहते हैं सुखदाम रचो, याद जाकर शक्ति वाणी का दूसरा सुखधाम रचेंगे तो जरूर सुखधाम का विनाश होगा ना। नया मकान बनाएंगे तो पुराना मकान गिराना पड़े ना। बाबा तो रोज रोज समझाते रहते क्या कि बुद्धि में याद रखो, अब ये पुरानी दुनिया गई की गई, ये तो पुरानी दुनिया से मोह ममत्व नहीं लगाना है। इन आंखों से जो कुछ देखते हैं वो सब खराब हो गए। दे के संबंधी, दे के पदार्थ, दे की तत्व पांच, वो सब खराब हो जाएंगे। क्या बचेगा? क्या बचेगा? आत्मा बचेगी। जो बचेंगे उनके पांच तत्व भी सात्विक बन जाते हैं। तत्व प्रधान दुनिया में सब कुछ सात्विक होगा। तो बाबा जो समझाते रहते हैं रोज रोज, इसको धारण करके फिर दूसरों को समझाते। ऐसे नहीं, खुद की धारणा हुई नहीं और दूसरों को समझाना शुरू कर दिया। पवित्र रहो, ये करो, शुद्ध अन्न खाओ, शुद्ध संग करो, खुद कुसंग कर रहे हैं, खुद प्याज लहसुन खा रहे हैं, अंडा मांस मछली शराब भी खा रहे हैं, दूसरों को ज्ञान सुना रहे हैं, तो दूसरे के ऊपर कोई असर आता नहीं पड़ेगा। इसलिए पहले धारण करो फिर दूसरों को धारण कराओ। ऐसे पहले मुख्य बात समझानी है कि हमारा बाप कौन है, उसको भी समझाओ। तो पहली पहली क्या बात समझाओ, हमारा बाप कौन है? कौन है बाप? वो कोई ब्राह्मण समझाते हैं हमारा बाप ज्योतिबिंदु है। हम आत्मा ज्योतिबिंदु, हमारा बाप ज्योतिबिंदु। तो क्या समझानी पूरी हो गई? समझने वाला जो बैठा है वो किसे याद करे?
क्योंकि मैं आत्मा भी ज्योतिबिंदु, मेरा बाप भी ज्योतिबिंदु। तो आखिर स्पेशल याद किसको किया जाए? कीड़े मकोड़े पशु पक्षी सारे तो ज्योतिबिंदु, तब की आत्मा ज्योतिबिंदु। तो बाप की याद से पाप कर्म भस्म होंगे, वो फिर बाप में क्या खासियत रही? तो बताया जाता है कि वो ज्योतिबिंदु बाप सुप्रीम सोल है तो, लेकिन वो तीन मूर्तियों में प्रवेश करता है। उन तीन मूर्तियों में भी सबसे ऊंचे ऊंची मूर्ति जो है वो है ब्रह्मापुरी, विष्णुपुरी और सबसे ऊपर शंकरपुरी। शंकरपुरी में जो शंकर की मूर्ति बैठी हुई है उसमें तीन आत्माएं विशेष कार्य करती है, ब्रह्मा की आत्मा, चंद्रमा की शिव सुप्रीम सोल, तीसरे नेत्र के रूप में शिव नेत्र कहा जाता है। और जो शरीरधारी है वो शरीरधारी की अपनी आत्मा, जैसे कृष्ण की सोल ब्रह्मा बनती है चंद्रमा में, ऐसे ही राम की सोल विश्वनाथ शंकर। क्योंकि योग बल से ही विश्व की वाचारी का गायन है, इसलिए शंकर का रूप विशेष गाया हुआ है कि योग बल से विश्व की वाचारी का गायन भी है। काटी विश्वनाथ गंगे सारे विश्व के रूप पर विजय प्राप्त करने वाला। तो पहले पहले मुझे समझानी ये देनी है कि वो सेवन शंकर के द्वारा सारे संसार में विश्व पिता बनकर की प्रत्यक्ष होता है। उस स्वरूप को याद करेंगे तो ऊंचे से ऊंचे को याद करेंगे तो क्या बनेंगे? ऊंचे से ऊंचे बनेंगे। अब जितना जो याद करें, जितना जो पुरुषार्थ करें, तो पहली पहली मुख्य समझानी वह है कि हमारा बाप कौन है। ऐसे नहीं कि हमारा बाप आत्मा है, सुप्रीम सोल है, नहीं, आत्मा तो सभी है, मनुष्य सारे ही आत्मा है, जानवर पशु पक्षी सब आत्मा है, लेकिन वो सुप्रीम सोल जिस व्यक्ति में मुकर्रर रूप से प्रवेश करके इस संसार में बच्चों को आकर के नंबर बार विश्व की बात का वर्षा देता है, वो स्वरूप कौन सा? तो उस स्वरूप का परिचय देना मुख्य मुख्य समझानी पहली पहली ये है, जिससे वर्षा पाना है। नंबर बार भक्तिनाथ में भी गौर खाकर को याद करते कि हमारे दुख हर करके फिर हमको सुख दो। तो बच्चों की बुद्धि में ये स्थिति रहनी चाहिए। स्कूल में स्टूडेंट की बुद्धि में नाली आ रहती है ना, कि जब स्कूल में जाते हैं तो गरबा याद आता है, गरबा तो नहीं याद आना चाहिए। स्टूडेंट लाइफ में धंधे धोनी आदि की कोई बात नहीं होती है। तो यहाँ भी तुम्हारी स्टूडेंट लाइफ है, ये दुनिया जो भस्म होने वाली है उसकी गंदा धोनी या बुद्धि में याद नहीं आनी चाहिए। इससे भी याद रहती है कि कर्म करते करते बाहर में रहते बाप कहते हैं स्टडी करो, ऐसे नहीं कहते हैं सन्यासियों को वापिस स्टडी छोड़ दो। सन्यासी तो सब कुछ छोड़ देते हैं, घर बार का भी सन्यास करते हैं, दुनिया का भी सन्यास करते हैं और पढ़ाई लिखाई का भी सन्यास कर देते हैं। ये है राजयोग, प्रवृत्ति मार्ग वालों का राजयोग है। सन्यासियों को भी तुम कह सकते हो तुम्हारा भी हठयोग है और हमारा है राजयोग। हम
प्राप्त करने के लिए योग लगा रहे हैं, और तुम हठ योग करते हो, कांप लो, रोक लेना, योग आकर लगाना, शरीर को तकलीफ देने की बात नहीं ना। और तुम याद तो किसी को नहीं करते, कहते हो शिव हम ही शिव है, शिव तो प्रवृत्ति मार्ग के पक्के रहे। शिव को शास्त्रों में प्रवृत्ति मार्ग का दिखाया जाता है या निवृत्ति मार्ग का दिखाया जाता है, वो तो प्रवृत्ति मार्ग के पक्के। शिव का नाम किसके साथ जोड़ा जाता है? शंकर के साथ। तो शंकर को पार्वती के साथ दिखाया जाता है। तुम तो निवृत्ति मार्ग वाले हो, घर घर छोड़ करके भागते हो, कहाँ शिव प्रवृत्ति मार्ग वाला और कहाँ तुम। यहाँ तुमको बात नहीं, यहाँ तो बात प्रवृत्ति मार्ग में रहकर के राज्य सिखाते हैं, निवृत्ति की यहाँ कोई बात नहीं है। किनको समझाओ? सन्यासियों को। कौन से सन्यासियों? रंगे रंगे कपड़े वाले सन्यासी हो या सफेद कपड़े वाले सन्यासी हो? जो सफेद कपड़े वाले सन्यासी हैं ब्राह्मणों की दुनिया में, उनको पहले समझाओ कि तुम्हारा अहम आद्यक्त तो कुछ है नहीं, और हमारा तो अहम आद्यक्त है। क्या अहम आद्यक्त है? इसी शरीर से हम पढ़ाई पढ़ के इसी दुनिया में हम विश्व की भाषा एक अवस्था नंबर बार लेने वाले हैं। तुम कहते हो हम पुरुषार्थ करते करते हठयोग करते करते शरीर छोड़ जाएंगे, फिर अगले जन्म में हमको प्राप्ति होगी। यहाँ है कि कोई बात अंधश्रद्धा की नहीं। तो ये दुनिया ही देखो कैसी गंदी है, क्या क्या सिखाते रहे, क्या क्या लगा पड़ा है, गरीब आदमी कैसे रह पाए। बाहर से जो टूरिस्ट आदि आते हैं उनको तो अच्छा अच्छा स्थान दिखा देते हैं, देखो भारत में कितना अच्छी खुशहाली है, परंतु वास्तव में गरीब आदि कितने गंद में पड़े रहते हैं, और गरीबों की झोपड़ियां थोड़े दिखाते हैं। जैसे बॉम्बे में कोई आ रहे हैं तो उनको अच्छा अच्छा दिखा देंगे, वही है तो नरक में। मगर नरक में भी अच्छा और बुरा दोनों है, अच्छे से अच्छा तो स्वर्ग में होगा और नरक में बुरे से बुरा तो होगा, लेकिन अच्छे से अच्छा नहीं होगा। सब आप लोग कहाँ रहते हैं और गरीब लोग कहाँ रहते हैं? गरीब लोग नालों के किनारे रहते हैं और साहूकार लोग बड़ी बड़ी महल मालियों और डालियों में रहते हैं। गरीबों की झोपड़ी और मक्खी और मच्छर का अंबार लगा पड़ा है, और साहूकारों के महलों में एक भी मच्छर और मक्खी देखने में नहीं आएगी। तो ये कर्मों का हिसाब किताब है ना, क्या गुरुजनों ने अच्छे कर्म किए हैं तो अच्छी प्राप्ति हुई है, गुरु जन्म में बुरे कर्म किए हैं तो प्राप्ति बुरी हुई। अब ये कर्म करना सिखाता कौन है? कौन से अच्छे कर्म और कौन से बुरे कर्म? अभी बाप आते हैं तो सारी दुनिया के सामने ये गीता ज्ञान सुनाया जाता है, दुनिया में सब मनुष्य समझते हैं कि अच्छाई क्या है और बुराई क्या है। सत्युग में तो ऐसी गंध हो नहीं सकती जैसी कि दुनिया में लगी पड़ी, लेकिन सत्युग में भी फर्क तो रहता है। कोई तो सोने के महल बना रहे हैं, क्या महल सोने के महल में रहेंगे? सोना माना सच्चाई, कोई तो सच्चे सच्चे बच्चों के संगठन होंगे, संगठन माना किला महल, और कोई तो अपने साधन बना देंगे, कोई चांदी बना देंगे, कोई ईंटों की बना देंगे, वहां इतने सारे धर्म नहीं रहेंगे।
वहां तो सिर्फ एक ही धर्म होगा, देवी देवता सनातन धर्म। यहाँ तो देखो कितने धर्म खड़े हुए, एक यूरोपीय खंड में ही देखो कितने देश बन गए, अनेक देश। और वहां स्वर्ग में तो सिर्फ हम ही रहेंगे, हमारा ही भारत धर्म खंड होगा और दूसरा कोई धर्म खंड नहीं होगा। ये भी बुद्धि में रहे कि वहां सदैव हम हर्षित रहेंगे और यहाँ यहाँ माया अवस्था को नीचे ऊपर करती रहती है। यही माया रावण का राज्य, और वहां वहां होता है राम के द्वारा स्थापन किया हुआ राम राज्य। तो तुम्हारी बुद्धि में क्या रहना चाहिए, स्टडी याद रहना चाहिए। आप क्या पढ़ाते हैं स्टूडेंट को, बुद्धि में स्टडी याद रहती है ना, बाप बहुत बढ़ता। ये तो बहुत समझाया जाता है, बाप को याद करो, बच्चे को याद करो। कोई मुरली ऐसी नहीं होगी जिसमें ये बात न समझाई जाती हो, क्या बाप को याद करो और बच्चे को याद करो। करते किसको याद है, वो तथाकथित ब्राह्मण किसको याद करते हैं, या तो विष्णु को याद करेंगे या तो ब्रह्मा को याद करेंगे। मुरली में बताया है कि ब्रह्मा का चित्र भी नहीं रखना, चित्र फोटो रखेंगे तो ब्रह्मा याद आवेगा। अगर ब्रह्मा को याद करेंगे तो पति द्वारा पढ़ेंगे, जो ब्रह्मा की गति हुई वो याद करने वाले की भी गति हो जाएगी, तो अंतर पड़ जाता है। तुम्हारी पढ़ाई तुम बाप से सन्मुख बैठ पढ़ते, और वो तथाकथित ब्राह्मण बाप के सन्मुख बैठ नहीं पढ़ते हैं, किसके थ्रू पढ़ते थे, पहले पढ़ते भी थे तो ब्रह्मा के थ्रू पढ़ते थे, ब्रह्मा कुमार कुमारियों के थ्रू पढ़ते थे, अभी भी पढ़ते हैं। लेकिन तुम्हारी पढ़ाई में और उनकी पढ़ाई में खास अंतर क्या है, तुम डायरेक्ट बाप से पढ़ते हो और वो डायरेक्ट बाप से नहीं पढ़ते। तुम्हारी बुद्धि में बाप और वर्ष है, वो तो कह देते हैं लाखों हजारों वर्ष है, यहाँ पर तो बात बात ही वास्तव में पढ़ाते जाते। तुम बच्चे समझ सकते हो कि अब हमारी राजधानी की स्थापना हो रही है और कोई धर्म वाले आकर ये नहीं सिखा देंगे, क्या वो आकर के अपने धर्म की स्थापना करते हैं, राज्य की स्थापना कोई नहीं करते। और यहाँ बात धर्म की स्थापना के साथ साथ राजा की भी स्थापना करती जाती है, क्यों, क्योंकि ये पढ़ाई ही है राजयोग की, राजयोग अर्थात राजा ही प्राप्त करने का योग। हाँ, तो थोड़े रह जाएंगे, बाकी सारी दुनिया खत्म हो जाएगी। बुद्धि में यही याद रहे कि हम स्टूडेंट हैं और हमको पढ़ाने वाले भगवान हैं, कोई मनुष्य गुरु हमको नहीं पढ़ाते हैं। उन ब्राह्मणों को तो, उन ब्राह्मणों को तो मनुष्य गुरु पढ़ाते हैं और हमको भगवान पढ़ाते हैं। तो तुम्हारी बुद्धि में कितनी खुशी रहनी चाहिए, फिर ये भूल क्यों जाती है, ये बात क्यों भूल जाती है, माया बुला देती है, माया बुला देती है। ये पूर्व जन्म के पाप रील में घूमते हैं तो बुला देते हैं, स्कूल में सब स्टूडेंट पढ़ रहे हैं और सब ब्रांचेस वाले जानते हैं, जितनी भी तुम्हारी ब्रांचेस हैं स्कूलों की वो सब जानते हैं कि हमको भगवान पढ़ाते हैं, लेकिन उन ब्रांचेस में तो अनेक बातें भी पढ़ाई जाती है, अनेक प्रकार के टीचर्स होते हैं, अनेक प्रकार के टीचर्स होंगे तो कुछ न कुछ अपनी अपनी बात सुनाते रहेंगे। यहाँ पर तो
तुम डायरेक्ट एक बाप से ही सुनते हो, तुम्हें पढ़ाने वाला टीचर एक ही है और एक ही सही, बाकी डायरेक्ट टीचर तो जरूर चाहिए। ऐसे थोड़े कि स्कूल में प्रिंसिपल टीचर ही सब कुछ पढ़ाता रहेगा और असिस्टेंट टीचर भी चाहिए। हाँ स्कूल एक ही है, बाकी सब ब्रांचेज है, पढ़ाने वाला एक बाप है, बाप आकर के सबको सुख देते हैं। तुम जानते हो कि बाप जो पढ़ाई पढ़ाते हैं उस पढ़ाई से हम आधा कल्प सुखी रहते हैं, उस श्लोक का नाम है स्वर्ग। और वो धर्म पिताएं आकर जो पढ़ाई पढ़ाते हैं देहधारी धर्म गुरु, उनकी पढ़ाई से थोड़े समय का सुख और बाद में लंबे समय का सुख मिलता है। तुम्हारी बुद्धि में है कि हम आधा कल्प से भी जात के सुख में रहते, तुम्हारा पौना हिस्सा सुख और चौथाई हिस्सा तुम सुख में रहते ज्यादा से ज्यादा, और उनका आधा सुख और आधा सुख होता है ज्यादा से ज्यादा, नहीं तो सुख ज्यादा होता है और सुख कम होता है। तो ये तुम्हें खुशी में लाने वाली बातें हैं ना, कि शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं और शिव बाबा आकर के रचना करते हैं स्वर्ग की। क्या शिव बाबा रचना करते हैं स्वर्ग की? कैसे है स्वर्ग नाम क्यों है और नरक नाम क्यों है? स्वर्ग नाम इसलिए है कि जो रचना करने वाला है सुप्रीम सुर बाप इसमें प्रवेश करके रचना करता है, नहीं शक्ति की वो खुद स्वयं स्थिति में सबसे जाती रहता है। क्या रचयिता खुद स्वयं स्थिति में रहने वाला है, वो परिस्थिति में नहीं आता, पर चिंतन में नहीं आता, इसलिए स्वर्ग की स्थापना कर दी जाता है। और नरक की स्थापना नर के द्वारा होती है, नर माना मनुष्य, तो मनुष्य नर जो कुछ करता है वो सब है नर। और स्वयं स्थिति में रहने वाला सदा आत्म की स्थिति में रहने वाला पाप जो कुछ करता है वो है सर। तो तुम जानते हो कि ऐसा शिव बाबा हमको पढ़ा दे यार, हमको पढ़ा रहे तो हम ही स्वर्ग में जा रहे हैं, ना उनको पढ़ाते हैं ना वो स्वर्ग में जा रहे हैं। भले जा रहेंगे लेकिन हम पहले जा रहे हैं, हम जीते जी स्वर्ग में जा रहेंगे और वो शरीर छोड़ने के बाद जा रहे हैं। शिव बाबा स्वर्ग की रचना रखते हैं, हम स्वर्ग का मालिक बनते हैं, मालिक बनने के लिए पढ़ते हैं। तो तुम्हें कितनी खुशी रहनी चाहिए, अब बार बार याद आता है कि तुमको तुम्हारी खुशी का पारावार नहीं होना चाहिए। क्या खुशी में बहुत आगे रहना चाहिए है? तो आगे रहने वालों का नाम क्या पड़ा? आगरा। तो आगे रहना चाहिए कि पीछे रहना चाहिए? खुशी उड़ क्यों जाती है? वो स्टूडेंट्स होते हैं, खाते हैं पीते हैं सब कुछ काम घर का करते हैं। हाँ कोई कोई स्टूडेंट्स होते हैं तो हॉस्टल में रहते हैं, इसलिए हॉस्टल में रहते हैं कि पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान दें। यहाँ तो जो हॉस्टल में रहते हैं
उनसे भी बाहर रहने वाले जाति पर लेते हैं। क्या बोला? ऐसे क्यों? क्या बोला मुरली ने? अंदर वाले रह जाएंगे और बाहर वाले ले जाएंगे। ऐसे क्यों कहती? जो खास हॉस्टल में रहते हैं, मिनी मजोनों में रहते हैं, वो तो उनका पढ़ाई पर तो ध्यान बहुत जाती होना चाहिए। पढ़ाई पर ध्यान ज्यादा होगा, राजयोग की पढ़ाई ज्यादा पढ़ेंगे तो ज्यादा वर्षा प्राप्त करेंगे। लेकिन ये बात कैसे कह दी? यहाँ उल्टा क्यों हो जाता है? क्यों ऐसे बोला? यहाँ तो हॉस्टल में रहने वालों से भी बाहर में रहने वाले जाति पर लेते हैं। नितिन राज्य में भी ऐसे हुआ, अंदर वाले रह गए और बाहर वाले ले गए। अंदर वाले माने जो सरेंडर थे ब्रह्म कुमारी विद्यालय में, नितिन राज पढ़ने वाले ब्राह्मण जो सरेंडर थे वो सब रह गए मोस्टली, और जो बाहर गंगस्थ में रहने वाले थे वो सब एडवांस नॉलेज गए। ये क्या बात हुई? वो आगे बढ़ गए, वो पीछे रह गए। क्यों हुआ ऐसा? उन्होंने भगवान के अच्छे तो सही सच्चे स्वरूप को पहचान लिया और वो भगवान के सच्चे स्वरूप को नहीं पहचान पाए। उन्होंने जिस भगवान को पहचाना वो गीता का भगवान कृष्ण निकला। क्या किसको गीता का भगवान कृष्ण समझते हैं? दादा लेखराज को? दादा लेखराज को ही तो गीता का भगवान साकार में मानते हैं। किसी दूसरे को मानते हैं क्या? तो पीछे रह गए, भक्ति मार्ग के भक्ति मार्ग में ही रह गए। और तुम ज्ञान मार्ग में आ जाते हो। तुम्हारी बुद्धि में बैठता है कि गीता का भगवान कृष्ण और दादा लेकर आगे नहीं, और तो जल संकट बोले ना। तो बात चल रही थी कि बाहर में रहने वाले जो है वो अंदर वालों से पीछे कैसे चले जाते हैं। नहीं, ये बताया अंदर जाकर के सरेंडर होकर के भी अगर बाप की मत पर न चले, अपनी मत पर चले, या संगीत साथियों की मत पर चले, या पर मत पर चले, तो सौ गुना बोझ चलता। क्यों? कि जो गर्भस्थ में रहने वाले हैं वो तो 8 घंटे पुरुषार्थ करें, और जो सरेंडर होके रहने वाले हैं उन्हें खाने पीने की कोई चिंता ही नहीं, तो वो 16 घंटे पुरुषार्थ करें तो बराबर पद बन जाता है। तो बजाय अगर 16 घंटे पुरुषार्थ करने के बिल्कुल पुरुषार्थ ही नहीं करें, बैठे बैठे खाते रहे और धमचक्कर मचाते रहे, तो उस पद पाएंगे या 10 साल भी बनेंगे? 10 साल भी बनेंगे। कर्म करने के लिए भी बच्चियां बाहर में रहती है। सेवा करने के लिए जो जाते हैं बाहर, उनको तो बाहर में रहना ही पड़ता है। किस प्रकार की मनुष्य आते हैं यहाँ पर? तो तुम कितने सेफ में बैठे हुए हो। बहुत सेफ्टी है बाबा, बच्चों की सेफ्टी तो बहुत करते हैं। कोई भी अंदर घुस नहीं सकता। क्या जो भी आश्रम बने हुए हैं, जो मिनी मजदूर बने हुए हैं, वहाँ ज्यादा सेफ्टी है या घर लक्ष में रहने वालों में ज्यादा सेफ्टी है? बाबा जी घर में ज्यादा सेफ्टी है। यहाँ तो तुमको कोई प्रसंग नहीं होना चाहिए, पथिक से बात करने की भी दरकार नहीं है, क्योंकि पथिक दुनिया वाला कोई भी अंदर आ न सके। बाहर में तो कैसे कैसे शैतान आ जाते हैं। यहाँ कोई से बात करनी ही नहीं है, तुमको तो कोई का मुख देखने की भी दरकार नहीं है। कोई का मुख देखेंगे तो वो याद आवेगा क्या? मांगे तो ब्रह्मा का फोटो नहीं रखो। क्यों नहीं रखो? क्यों? ब्रह्मा का फोटो रखेंगे तो याद आए ब्रह्मा पतित या ब्रह्मा पावन। ब्रह्मा तो दाढ़ी मुंडी वाला पति बन चाहिए, तो पतित को देखेंगे तो पति जी में नहीं। फिर भी
बाबा कहते हैं कि बाहर रहने वाले अंदर वालों से सीधे चले जाते हैं। ये क्या बात है, इतनी संभाल की जाती है मिनी मतलब की अंदर रहने वालों की, फिर भी अंदर वालों से बाहर वाले सीधे क्यों चले जाते हैं? कितनी वंडरफुल बात है, बाहर वाले चित्रों को पढ़ा करके और आप समान बना करके फिर बाबा के सामने ले आते तो कभी कौन करते हैं? बाहर वाले या अंदर वाले? करते अंदर वाले भी क्या कभी करते हैं कि जो बाहर से आते हैं उनकी खाते गए? अगर बाहर वाले आते हैं मेहमान बन करके और उनकी खातरी न करें और दुखी होकर के जाए, परेशान होकर के जाए, तो उनकी दुआएं मिलेंगी या बदुआएं मिलेंगी? बदुआएं मिल जाती है। जो बाहर वाले आते हैं उनके सामने वो ये समझ के बैठ जाते हैं कि ये तो बाहर वाले हैं, हम तो उनकी संभालने वाले हैं, हम राजा हैं, ये तो हमारी प्रजा है। बाबा कहते यहाँ प्रजा कोई है नहीं, यहाँ राजा ही है ही नहीं, तो बच्चे का सेवाधारी है। जब आप खुद कहते हैं मैं बस मैं हूँ तो बच्चों का वो भी नहीं करें, तो बच्चों को किस रूप से रहना चाहिए? सेवाधारी बनते रहना चाहिए। तो बाबा समाचार पूछते पेशेंट को लेकर के आते हैं जो कि बहुत बीमार है, तो फिर ज्यादा बीमार हो जाते हैं उनको फिर यहाँ 7 दिन बस्ती में रखा जाता है। ये जैसे कि तो ब्राह्मणों का एक गांव है, यहाँ पर कोई सूत्र को नहीं लेकर के आना है, जिसने पवित्रता की प्रतिज्ञा न की हो उसको यहाँ लेकर के नहीं आना है, क्योंकि यहाँ तो बाप तुम बच्चों को बैठ समझाते विश्व का मालिक बन रहा है, तो चलन भी बहुत अच्छी चाहिए, आगे चल करके तो बहुत कुछ साक्षात्कार हो गए इस बात से कि वहां कर्म में क्या क्या होगा। जानवर भी वहां कितने अच्छे अच्छे होंगे, जितना जितना पढ़ेंगे और दूसरों को पढ़ाएंगे उतना उतना बस में भी उतना टीचर बनकर के औरों को रास्ता बताना है, क्या स्टूडेंट के स्टूडेंट ही अगर बने रहे टीचर नहीं बन सके तो फिर उस पर नहीं पाएंगे, इसलिए क्या करना है? पढ़ाई तो पढ़ रहे हैं लेकिन पढ़ाई पढ़ते पढ़ते ये भी ध्यान रखना है कि हम दूसरों को पढ़ाने लायक बने हैं, हमारे अंदर खुद धारणा हो रही है जो हम दूसरों को पढ़ाई पढ़ा सके। सबको टीच करते सबको टीच करना है, वैद्य बाबा ने तुम बच्चों को दिए पढ़ाई के लिए, वैद्य निकालो और समझाओ
तो बैग जो है वो जेल में डालने के लिए दिए हैं या बाहर दिखाने के लिए दिए हैं? बैग जो है वो अंदर पड़ा रहे, कहाँ पड़ा रहे? तो ब्राह्मण की वो तो समझते हैं स्कूल का कितना पड़ा रहे, स्कूल का भी नहीं जाते, बाहर ही जाते और शंकर का पाठधारी इस दुनिया में कौन है? आप इस तीन मूर्तियों का परिचय दे सके, तीन मूर्तियों का पूरा पूरा परिचय किसी बुद्धि में बैठा देंगे तो त्रिमूर्ति शिव का बुद्धि में पढ़ बैठ जाए। वैद की समझानी बिल्कुल अलग है, एक तरफ त्रिमूर्ति शिव का परिचय और दूसरी तरफ त्रिमूर्ति शिव से क्या प्राप्ति होती है, क्या वर्षा मिलता है, वो वर्ष में कौन सा चित्र है, ये हमारा वर्षा है, क्या वर्षा है, हमको नर से नारायण बनना है और नारी से लक्ष्मी बनना है। समझाओ गीता का भगवान को क्या, गीता ज्ञान देने वाला भगवान है, वो गीता ज्ञान देने वाला भगवान कौन है? कृष्ण है, साकार है या निराकार है? कहेंगे निराकार ज्योतिबिंदु, अगर निराकार ज्योतिबिंदु है तो गीता का भगवान बनकर से कैसे ज्ञान देता है? कहेंगे ब्रह्मा के द्वारा ज्ञान देता है, अगर ब्रह्मा के द्वारा ज्ञान देता है तो ब्रह्मा के द्वारा जिसके द्वारा ज्ञान देता है उसके द्वारा स्वर्ग रचता है या नरक रचता है? क्या रचता है? स्वर्ग रचता है। और हमारे तो कभी छोड़ दिया स्वर्ग तो रचा नहीं गया, क्या रचा गया? और ही दुनिया नरक होती क्या थी? क्या मारा मारी लगी पड़ी? आप कहते हैं अच्छी तरह समझानी देनी कौन सी चीज थी? गीता के भगवान, गीता का भगवान कौन है? अब वो तो जड़ गीता की बात हो गई,
जहाँ पत्तों की बात हो गई, ये क्या है, ये बोली है ना, ये जड़ पत्ते है ना, है ये जड़ पत्ते किसके मुख से सुनाई गई, है ब्रह्मा उनका दादा एक राज उनका कृष्ण की आत्मा के द्वारा सुनाई गई ना, तो कृष्ण की गीता हुई ना, कृष्ण की गीता से दुनिया नरक बनती है और शिव की गीता से दुनिया स्वर्ग बनती है। कृष्ण के साथ शिव का नाम नहीं जोड़ा जाता, ब्रह्मा के साथ शिव का नाम नहीं जोड़ा जाता, लेकिन शिव का नाम यही कर जोड़ा जाता है। तो शिव शंकर भोलेनाथ क्यों कहते हैं, शिव विष्णु शिव ब्रह्मा क्यों नहीं कहते, या कोई भी कैसे छोड़ देवताओं में से किसी एक के साथ शिव का नाम क्यों नहीं जोड़ा जाता, क्योंकि कोई भी देवता जो है वो शिव समान केस को धारण 100% नहीं कर पाता, सिर्फ एक ही है देव देव महादेव जो शिव समान निराकारी केस को धारण करता है, इसलिए वही गीता का भगवान है, वही गीता का भगवान इसलिए है कि मनन चिंतन मंथन के द्वारा उस गीता का सार निकलता है, सार निकलता है तो अमर बन जाते हैं। निस्कार जब तक रहती है गीता उसका अर्थ ही समझ में नहीं आता एक एक वाक्य का, तब तक गीता सुनने सुनाने से कोई फायदा नहीं। भक्ति मार्ग में गीता रखते रहते हैं, पाठ करते रहते हैं, सुनते हैं, दूसरों को सुनाते रहते हैं, लेकिन अर्थ अर्थ बुद्धि बुद्धि नहीं है, तो जब अर्थ ही बुद्धि में नहीं बैठता तो सुधार होगा क्या, मन बुद्धि रूपी आत्मा सुधर जाएगी क्या, सुधर नहीं सकती। सुधार तब होगा जबकि गीता का पूरा अर्थ समझ में आए, तो वो गीता ज्ञान जो मानवीय मनुष्य बुद्धि से सुनाया जाता है, माने तंत्र के द्वारा सुनाया जाता है, दादा लेखराज के तंत्र द्वारा सुनाया जाता है, उसके संसार की सदगति नहीं होती। सदगति तब होती है जब उसकी गीता ज्ञान को यानी मुरली को मनन चिंतन मंथन करके उसका रस निकाला जाता है, सार निकाला जाता है, वो सार से उस नए ज्ञान से दुनिया नई बनती, पुराने ज्ञान से दुनिया पुरानी होती जाती है और नए ज्ञान से दुनिया नई बन जाती। तो पहले पहले ये चित्र की समझानी देनी है क्या, एक तरफ देखो चित्र में कृष्ण की गीता और दूसरी तरफ लिखो शिव शंकर भोलेनाथ की गीता, शिव की गीता से स्वर्ग और कृष्ण की गीता से नर्क, एक है चैतन्य गीता और एक होती है जड़ गीता, जड़ गीता तो भक्ति मार्ग वालों की है और तुम्हारी तो है चैतन्य गीता, लेकिन चैतन्य गीता में भी दो गीताएं हो गई क्या, एक जड़ गीता जिसके ऊपर ज्ञान की छाप पड़ती है, दिल के ऊपर छाप पड़ती है ना क्या, तो जिस गीता के ऊपर कृष्ण की छाप पड़ गई कि कृष्ण गीता का भगवान है, तो उस गीता से नरक बनेगा स्वर्ग बनेगा, ब्रह्म कुमारियों के ऊपर किसकी छाप है, कृष्ण की छाप है, कृष्ण भगवान की छाप है या शिव भगवान की छाप है, कृष्ण भगवान गीता का भगवान है, माना दादा लेखराज ही साकार में गीता का भगवान है, ये छाप पड़ी हुई है, इसलिए वो स्वर्ग नहीं बना सकते, वो क्या बनता जा रहा है, नर्क बनता जा रहा है। और शिव की गीता शुरू की गीता से स्वर्ग बनता है, स्वर्ग में मुखिया कौन होते हैं, लक्ष्मी और नारायण, स्वर्ग की मुखिया कौन हुई, लक्ष्मी और नारायण, तो लक्ष्मी में धारणा सबसे जास्ती होगी, कब होगी, सबसे जास्ती धारणा लक्ष्मी होगी क्या, तो लक्ष्मी जो है वो धारणाओं का आधार है,
चिकित्सा ज्ञान का भंडार है, वो जितना अच्छा पालना कर सकती है, अच्छे देवी देवता सनातन धर्म की अच्छे तरीके से पालना कर सकती है, उतना कोई भी धर्मशास्त्र कोई भी पालना इतनी अच्छी नहीं कर सकती। पहले पहले तो बाप की पहचान देकर के बताना है कि बाप से ये बच्चा मिलता है। कौन सा बच्चा? जड़ का बच्चा बाप से मिलता है। और गीता सुनाई किसने? बाप ने सुनाई। तो गीता माता हो गई और वो गीता पति भगवान हो गई, पति और पत्नी का संबंध हो गया। झूठी गीता का झूठा पति और सच्ची गीता का सच्चा पति, ये क्या बात हुई? सत्य कैसे झूठा हो गया? सत्य तो सच्ची का पहला पत्ता है। क्योंकि गीता का माता का भगवान बनकर के बैठी है। गीता तो माता होनी चाहिए ना, माता का अगर पति बनकर के बैठ जाए तो आज की दुनिया की बात होगी। आज की दुनिया में भी क्या होता है, बच्चे माता के ऊपर दर्पण पर उनके बैठ जाते हैं। पिता अगर खबर खास का शरीर छोड़ दे तो बच्चे बड़े हो जाते हैं और माता को अपनी मुट्ठी में मुट्ठी में लगे बैठे, तो माता के जैसे पति हो गए। कहाँ से फॉलो कर रहे हैं? जब ब्राह्मणों की समय दुनिया में फॉलो हो रहा है, तो पहले पहले तो बाप की पहचान देनी है कि बाप से यह बच्चा मिलता है। और ये गीता बाप ने सुनाई, कृष्ण ने बाप से सुनकर ही ये पद पाया। क्या कृष्ण ने जो सुना है वो किससे सुना? बाप से सुना। और बाप से सुनकर के शक्ति का पहला पत्ता बनता है। जब तक कृष्ण की बुद्धि में ये बात न बैठे कि गीता का भगवान कौन है, तब तक नई दुनिया की स्थापना नहीं। अभी कृष्ण की आत्मा कौन है? दादा देव राय ब्रह्म प्रवेश होती है वो आत्मा, उसकी बुद्धि में ही अभी तक नहीं बैठा है। क्या गीता का भगवान कौन? मैं नहीं हूँ गीता का साकार में भगवान, मैं नहीं हूँ गीता ज्ञान सुनाने वाला, मैं नहीं हूँ गीता पति भगवान कोई और। यदि के आदि की बात भी भूल गए क्या? जब उनको साक्षात्कार हुए थे तो उनके साक्षात्कारों को आपने किसने सुनाया? उनके गुरु ने सुनाया, कि बनारस के पंडित पुजारियों ने सुनाया, गुरु ने सुनाया, या कोई था आदि में ही जिसने उनके साक्षात्कारों को आपने सुनाया? कोई आदि में था उनका भागीदार, उनके भागीदार ने उनके साक्षात्कारों का अर्थ उनको सुना दिया और वो साक्षात्कारों का अर्थ सुन करके उनको नशा कर दी। किनको? जिनको साक्षात्कार हुए। नशा इतना चढ़ा, इतना ज्यादा नशा चढ़ा कि जो गीता माता थी जिसके मुख से उन्होंने सुना, उस गीता माता को ही कंट्रोल में कर करके बैठे। यदि के आज में वो दोनों माताएं ब्रह्मा बाबा के पास रह गई और जो सुनाने वाला यदि पिता था वो छोड़ करके चला गया। क्यों चला गया? कारण है, कारण चला गया। बुद्धिमान को बुद्धि का भोजन नहीं मिलता है तो ज्ञान को छोड़ देता है। ज्ञान भी ऐसे बहुत लोग होते हैं जिनको कोई प्रश्नों का जवाब नहीं मिलता तो ज्ञान में चलना छोड़ देते। तो यज्ञ के आग में भी अधूरा ज्ञान था, ज्ञान पूरा था नहीं, इसलिए छोड़ करके चले गए। तो बोला कृष्ण ने बाप से सुनकर के ये पद पाया है, प्रजापिता ब्रह्मा और ब्राह्मण भी आना चाहिए, दोनों चाहिए। माने कृष्ण का बाप भी चाहिए, कौन? प्रजापिता ब्रह्मा और ब्राह्मण। ब्राह्मण कौन हुए? जो भी प्रजापिता ब्रह्मा की औलाद हुई न परिवार होता ब्राह्मण, तो जरूर
पहले पहले ब्राह्मण कौन है जो प्रजापति का ब्राह्मण की औलाद बने? पहले कृष्ण बच्चा बनता है या कोई और है जो पहले ब्राह्मण बनते हैं? कृष्ण बच्चा होता है। अगर कृष्ण बच्चा हो तो इसी जन्म में हुआ कि अगले जन्म में हुआ? तो अगले जन्म की बात कहाँ है, तो यही प्राप्ति करनी है कि अगले जन्म करनी है? तो कोई तो ऐसे ब्राह्मण हुए होंगे जिन्होंने इसी जन्म में प्राप्ति की। विश्व की बात आएगी अर्थदेव, अर्थदेव है जो बाप से पहले पहले प्राप्ति करते, किसी जन्म में प्राप्ति करते। अगले जन्म में कैसे की तरह जन्म नहीं करके नहीं, डायरेक्ट बाप से यहाँ पढ़ाई पढ़ते हैं और पढ़ाई पढ़ते पढ़ाई की प्रारंभ यही प्राप्त करते हैं। तो पहले पहले ऐसे बाप की पहचान बताना है। अच्छा, पिता ब्रह्मा भी यहाँ चाहिए और ब्राह्मण भी यहाँ चाहिए। ब्रह्मा भी पढ़ते हैं, शिव बाबा भी पढ़ते हूँ क्या? ब्रह्मा यहाँ कैसे पढ़ता है? हाँ, आत्मा प्रवेश करके भी तो पढ़ाई पढ़ सकती है ना। पढ़ाने वाला शिव सुप्रीम सोल है, सुप्रीम सोल शिव जो है वो पढ़ाई पढ़ाता है और ब्रह्मा की सोल कोई सरिदारी में प्रवेश करके पढ़ती है। ब्रह्मा भी पढ़ते हैं शिव बाबा से, ब्रह्मा पढ़ते हैं हमारे कृष्ण की सोल पढ़ाई पढ़ती है। तुम अभी पढ़ते हो विष्णु में जाने के लिए, तुम अभी जो पढ़ाई पढ़ रहे हो तुम्हारे पढ़ने में और कृष्ण अर्थात ब्रह्मा की पढ़ाई पढ़ने में क्या अंतर है? तुम इसी जन्म में प्राप्ति करने के लिए पढ़ाई पढ़ रहे हो और ब्रह्मा की तो तुम्हारी शरीर का हिसाब किताब होता पूरा हो गया, अब सूक्ष्म शरीर का हिसाब किताब रह गया, इसलिए वो आत्मा अगले जन्म में जाकर के पढ़ाई की प्राप्त प्राप्त करेगी, जन्म में प्रारब्ध प्राप्त करेगी। और तुम जन्म में प्रारब्ध प्राप्त करो तो इसी जन्म में विश्व के बाद खराब बनोगे नंबर का। तो देखो तुम यहाँ पढ़ाई पढ़ रहे हो, ये तुम्हारा लौकिक धर्म भी है और लौकिक धर्म भी है क्या? ये तुम्हारा लौकिक शरीर की परवर्तनी यहाँ होनी है होती है और तुम्हारे अलौकिक धर्म भी है, फिर तुम अलौकिक पार भी करती हो, तो लौकिक पारलौकिक फिर अलौकिक, ये नहीं बात है। भक्ति मार्ग में तो ब्रह्मा की याद नहीं करते हैं, करता है या तो नहीं करते? परमात्मा की सब याद करते हैं, ब्रह्मा की याद कोई नहीं करता। क्यों नहीं करते है? नहीं, ब्रह्मा से कोई प्राप्ति नहीं हुई होगी। अरे प्राप्ति नहीं हुई होगी क्यों? प्राप्ति नहीं हुई होगी तो फिर अजमेर में जो ब्राह्मण रहते हैं वो ब्रह्मा की पूजा क्यों करते हैं? उनको प्राप्ति अजमेर में जो यादगार बनी हुई है वो ऐसे ब्राह्मण है, ऐसे ब्राह्मण देर बकरियों जैसे है, एक दूसरे के पीछे पीछे चलने वाले, बुद्धि से कुछ भी समझते नहीं है, एक आगे आगे चला तो उसके पीछे पीछे सब चल पड़े। तो ऐसे ब्राह्मण जो है वो वहाँ अजमेर में रह करके मंदिर बना करके पूजा ब्रह्मा की करते हैं, बाहर से जाने वाले कोई ब्रह्मा की पूजा नहीं करते। क्यों नहीं करते? दुनिया वालों को ब्रह्मा से कोई प्राप्ति नहीं हुई। माउंट आबू में जो भी रहे पड़े हैं ऐसे हैं, एक के एक चलने वाले हैं, अपनी बुद्धि से सोचने वाले नहीं है। तो जो न सोचने वाले हैं वो फिर ब्रह्मा की पूजा, वो कहते हैं हमें वर्षा मिला ब्रह्मा से, क्या वर्षा मिला? देखो चलो देखो चल के सुख धाम शांति धाम बना हुआ है, ईटों का सुख धाम बना दिया, ईटों का शांति धाम बना दिया और वो उनको वर्षा, ज्यादा से ज्यादा कहेंगे हमको डॉलर इंचार्ज बनाया ब्रह्मा ने, हमको सेंटर इंचार्ज बनाया। तो ये उनको प्राप्ति होती है
अंतकाल का, इसलिए वो एक ही मंदिर बना हुआ है जहाँ ब्रह्मा की कोई लोग पूजा करते हैं और कोई पूजा नहीं करते। न ब्रह्मा के मंदिर बनते हैं, न ब्रह्मा की मूर्तियां बनती हैं, न ब्रह्मा की पूजा होती है, क्योंकि ब्रह्मा भगवान का रूप नहीं है। वो उनका जैसे लौकिक बाप हो गया, जैसे लौकिक बाप से एक जन्म का अल्पकाल का वर्षा मिल जाता है, ऐसे उनको अल्पकाल का वर्षा मिल जाता है। भगवान का रूप नहीं है। वो क्या समझते हैं? वो समझते हैं वही गीता का भगवान। तो भक्ति मार्ग में सब कोई ब्रह्मा को याद नहीं करते, कहाँ की यादगार? यहाँ ब्राह्मण की दुनिया की ये यादगार बनी हुई है कि कोई भी ब्रह्मा को याद नहीं करते। ब्रह्मा बाबा जिसको कहना आता ही नहीं है। जब ब्रह्मा बाबा कहते हैं तो पूरे शरीर को देख करके ब्रह्मा बाबा कहा जाता है, बाकी ब्रह्मा कोई बाबा है नहीं। हाँ, उसमें शिव प्रवेश करते हैं, माता जी उससे पाठ बजाते हैं तो शिव बाबा कहा जाता है। ब्रह्मा बाबा कितनी कहा जाता है? उनके बुढ़ापे की कहा जाता है। और शिव बाबा क्योंकि शिव प्रवेश तो शिव बाबा को याद करते हैं, दुखों से छोड़ाओ। हे ब्रह्मा बाबा दुखों से छोड़ाओ, ऐसे कोई कहता नहीं। वो तो है पारलौकिक बाप जो दुखों से छुड़ाने वाला है, और ये फिर है अलौकिक बाप। अलौकिक बाप से कोई प्राप्ति नहीं होती। इनको तुम सूक्ष्म मतलब देखते हो, इनको अलौकिक ब्रह्म फिर यहाँ भी देखते हो। लौकिक बाप को यहाँ देखने में, पारलौकिक बाप को तो परलोक में ही देख सकते हैं ज्यादा। पारलौकिक बाप को परलोक में ही देख सकते हैं, यहाँ नहीं देख सकते। क्या मतलब? जब नई दुनिया बनेगी तो नई दुनिया में शिव बाबा होगा या नहीं होगा? नहीं होगा। इस दुनिया में सदा कायम कोई चीज है नहीं। दुनिया में बोला सदा कायम तो एक शिव बाबा ही है, बाकी कोई चीज दुनिया में सदा कायम नहीं। तो नई दुनिया में शिव बाबा होगा ही नहीं। शिव बाबा होगा लेकिन शिव बाबा शिव बाबा बिंदु बिंदु आत्मा का बाप पर काम भाषी साक्षी हो जाएगा। और ये वंडरफुल बातें हैं। ये ब्रह्मा कहाँ से आया? सूक्ष्म मतवादी ब्रह्मा है। तुम फिर ब्राह्मण कहाँ से आए? ये यही कैसे में चला मिला? एक अलौकिक बाप को ही समझने से मुझसे वो तो फिर भी कहेंगे कि वो निराकार कौन? वो ब्राह्मण से भी क्या कहेंगे? भगवान बाप निराकार लिंग भी कहते हैं ना, निराकार भी कहते हैं और फिर क्या कहते हैं? लिंग है। उन्हें समझ में ही नहीं आता कि लिंग जो बड़ा रूप है वो साकार की यादगार है, और जो उसमें बिंदु रखा है वो निराकार की यादगार है। लिंग क्यों रखा हुआ है साकार की यादगार? उसमें आत्मा नाकार क्यों नहीं दिखाई गए? इसलिए नहीं दिखाए गए कि वो ऐसी स्टेज बनाता है, ऐसी स्टेज जैसे कान होते हुए भी दुनिया की गुलामी की बातें सुनता ही नहीं, आंखें होते हुए भी दुनिया की गंध को जैसे गंदे मनुष्यों को देखता ही नहीं, पति से पति जाकर के आंखों की तरह उससे निपट के रहते हो। पति को देखता है क्या? आंखें होते हुए भी पत्तों को देखता नहीं, कान होते हुए भी ज्ञानी को सुनता नहीं, जैसे कान है ही नहीं, जैसे आंख है ही नहीं, तो उसको आ जाता है मेरा लिंग कहते हैं ना, तो वो निशानी है क्या? लिंग स्वरूप जो है वो निराकारी धारण करने वाले की निशानी है, वो फादर है क्या? वो फादर है और हम बच्चे।
बच्चे भी मनुष्य और हमारा फादर भी मनुष्यों का बाप, मनुष्यों का बाप मनुष्य ही होगा, आत्माओं का बाप आत्मा ही होगा, राक्षसों का बाप राक्षस ही होगा, देवताओं का बाप देवता ही होगा। तो उसको लिंग भी कहते हैं, वो फादर है।